आदमी का देवत्व कहानी रामधारी सिंह दिनकर। सृष्टि के आरंभिक दिनों की बात है। देवता तो कुछ कुछ पुराना हो चले थे, किंतु आदमी बस अभी अभी तैयार हुआ था। यहाँ तक कि उसके बदन की मिट्टी भी अभी ठीक से सूख न पाई थी, मगर आदमी तो आरंभ से ही आदमी था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि देवता छोटे हूं या बड़े, उनकी इज्जत खूब है। फिर उसने अपनी ओर देखा और वो सोचने लगा कि देवताओं से भला मैं किस बात में कम हूं, और तब भी लोग मुझे महज आदमी समझते हैं और कहते हैं कि मैं देवता नहीं हूं। एक दिन जब ब्रह्मा को घेर कर सभी देवता बैठे हुए थे, आदमी भी वहां जा पहुंचा और सबके सामने उसने यह घोषणा कर दी कि मिट्टी का होने से मैं कुछ अपदार्थ नहीं हो पाया। आज से आप लोग नोट कर लें कि किसी न किसी तरह का देवता मैं भी हूँ। देवताओं ने आदमी की घोषणा बड़े ध्यान से सुनी और सोच समझ कर यह निर्णय दे दिया कि आदमी को देवता समझने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर आपत्ति उन्हें थी। और यह निर्णय उन्होंने अपनी खुशी से नहीं दिया था, असल में उन्हें मालूम था कि आदमी की रचना ब्रह्मा ने किन तत्वों से की है। वे स्वर्ग में यह भी सुन चुके थे कि ब्रह्मा जिस नए जीव की रचना कर रहे हैं वह बड़ा ही उपद्रवी होगा, वह मिट्टी का होने पर भी समुद्र पर राज करेगा, बिना पाक का होने पर भी आकाश में उड़ेगा, और जो ताकतें पहाड़ और वन को हिलाती रहती हैं, धरती और जंगल को जलाती रहती हैं, और जिनकी चिंगार से स्वर्ग भी कांपने लगता है, वे सब इसके कब्जे में रहेंगी। समुद्र में जो कुछ रत्न है, वन में जो कुछ फल और जीव हैं, तथा धरती के भीतर जो धन है, उन सब का उपभोग इस नए प्राणी के लिए सुरक्षित रखा गया है। यही नहीं बल्कि देवता जिसे सूंघ कर रह जाते हैं उसे यह नया जीव हाथ से छू सकेगा, दांतों से चबाकर अपने उदर में डाल सकेगा। और इस प्रकार जिन चीजों को देखकर देवता ललचा कर रह जाते हैं वे चीजें आदमी के लहू में समा जाएंगी, मन और बुद्धि में जा बसेंगी, सांस का स्वरूप बन जाएंगी। और यद्यपि यह मरने वाला होगा, मगर बड़े बड़े अमर इसके भय से भागते फिरेंगे, नहीं तो एक दिन यह उन्हें पकड़कर चटकल में भर्ती कर सकता है। देवताओं ने सोचा, अरे अब तो यह हमारा भी गुरु निकलेगा। देवता आरंभ से ही आदमी से डरे हुए थे, इसलिए आदमी ने जब यह कहा कि एक तरह का देवता मैं भी हूं, तब वे इसके इस दांव को जुटला नहीं सके, मगर वे छिपे छिपे इस गांठ में लगे रहे कि इस नए जीव को बेबस कैसे किया जाए। निदान यह निश्चित हुआ कि आदमी का देवत्व चुरा लिया जाए, और इस विचार के आते ही देवता खुशी से उछल पड़े और सोए हुए आदमी का देवत्व चुरा कर देवता ने उसे अपने पास कर लिया। लेकिन फिर तुरंत उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि एक देवता ने सवाल किया, अगर आदमी इतना धूर्त और सयाना है, इतना प्रतापी और शक्तिशाली है, तो फिर उसका देवत्व चुरा कर रखा कहां जाएगा? आकाश और पाताल आदमी तो दोनों जगह घूमेगा, रह गई धरती, उस पर तो आदमी का रात दिन का वास है। और अगर यह कहो कि कोई देवता उसे अपनी मुट्ठियों में बंद किए रहे, तो हम में ऐसा कौन है जो इस नए जीव से दुश्मनी मोल ले? कहीं ऐसा न हो कि क्रोध में आकर आदमी स्वर्ग पर ही दावा बोल दे। देवताओं को उदास देखकर ब्रह्मा बोले, अच्छा लाओ आदमी का देवत्व मेरे हाथ में दे दो। देवत्व ब्रह्मा के हाथ में आया, उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद की और फिर चीज उसमें से गायब हो गई। देवता दंग रह गए। तब ब्रह्मा ने कहा, चिंता न करो, मैंने आदमी के देवत्व को एक ऐसी जगह पर छिपा दिया है जहां उसे खोजने की बात आदमी को कभी सूझेगी ही नहीं। मैंने यह प्रकाश स्वयं उसी के हृदय में छिपा दिया है।